पढ़ने से पहले श्री शंकर ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी और क्या कमाल की हिस्ट्री बनाई है। व्हाट अ परफॉर्मेंस इट वॉज एंड व्हाट अ मुकाबला इट वॉज। और इंडिया का पहला किसी भी कलर का ये मेडल है, सिल्वर आया। ऑल दो मुझे लगता था अनलकी हो गए, ये गोल्ड भी में भी तब्दील हो सकता था, लेकिन सिल्वर हुआ और क्या जबरदस्त मुकाबला। इंडिया की जो मेडल्स है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। क्या कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम यार, कहाँ हमने मुंह नहीं दिखाना किसी को। और बड़ा एक अमेजिंग अचीवमेंट हुआ, वो हुआ इंडिया के तेजस्विन शंकर की तरफ से, जिन्होंने ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द हाई जंप इवेंट इन एथलेटिक्स। और कमाल ये था कि इसका बैकग्राउंड में पढ़ रहा था तो लाइक आई वाज यू नो लाइक आई वाज टोटली अमेज्ड कि यार इस आदमी का कितना विल पावर होगा। के पास जो ट्रेनर होते हैं बेसिकली वो भी एक लेवल से गुजर के आए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वर्थ 900 करोड़, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 900 करोड़ की लागत से पार्लियामेंट ने, इंडिया की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी है। हमारे पीएम मोदी साहब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों भारत में जो मेडल की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ हमारे खिलाड़ी जो युवा प्लेयर्स हैं वो हर क्षेत्र में अपना अनुभव दिखा रहे हैं और हर क्षेत्र में अपना टैलेंट दिखाते हुए भारत के नाम को काफ़ी ऊपर कर रहे हैं। और ये सब देख कर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शौक में है और वो बोल रही है कि भारत के पास इतना टैलेंट और पाकिस्तान के पास कुछ नहीं, आखिर ये सब लोग पाकिस्तान के जो बोलते हैं कि टैलेंट बहुत है ये सब गया कहाँ, और ये सब टैलेंट बाहर में गया। और वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी तहलका मचा दिया है और ICC रैंकिंग T20 में नंबर 2 पर इस सूर्य कुमार यादव पहुंच गए हैं और वहीं बाबर आजम नंबर 1 पे हैं, तो सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है। और आने वाले नेक्स्ट T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव भी बाबर आजम से कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो आगे ही हो जाएंगे, तो देखना ये भी काफ़ी रोमांचक होगा। और भारत सरकार ने जो हमारे कॉमनवेल्थ वर्ल्ड कप में जो जीत रहे हैं खिलाड़ी उसमें मेडल्स जीत रहे हैं उसमें उनको कितने रुपए मिले, ये भी पाकिस्तानी मीडिया खुल के इस वीडियो पे बात करेगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियोज़ और अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम अपने चैनल तक लाते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो, मिलते हैं वीडियो के। जो मेडल्स है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है जो कि बड़ी अच्छी और शानदार बात है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वर्थ 900 करोड़, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 900 करोड़ की लागत से पार्लियामेंट ने, इंडिया की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी है। हमारे पीएम मोदी साहब हिमसेल्फ मॉनिटर करेंगे सारी इस वर्क की। टारगेट गिवन टू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू कंप्लीट द यूनिवर्सिटी जुलाई, यानी कि लेस देन ईयर, 900 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी वहां का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। हमारे 25 अरब हो गए, 2500 करोड़ हो गया ना हमारा। यार इनका क्वेश्चन ले ले, गुस्सा करते आते हैं। छोड़ो यार। अच्छा जी, सेकंड बॉक्सिंग मेडल अशोर्ड फॉर इंडिया, मोहम्मद उसामुद्दीन जो है वो सेमीज में 57 किलोग्राम में पहुंच गया। उन्होंने नेम्बिया के जो है तेगान नेडवेलो को 4-1 से हराया है। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ साहब, आप साथ साथ हमें अपडेट करते चले जाते हैं। वाजी बहुत ही शानदार बात है भाई, और जो मेडल्स में इजाफा हो रहा है डे आफ्टर डे, और वेट लिफ्टिंग में बड़ी कमाल के जो मेडल्स आए हैं और अभी तक वो सिलसिला जारी है। ब्रॉन्ज जीता है लवप्रीत सिंह ने, ब्रॉन्ज जीता है। और आपको बताया कि स्काई जो है कल की जो शानदार इनिंग के बाद, ही इज नाउ नंबर रैंक्ड 2, ही इज रैंक्ड एट नंबर 2 इन ICC एंड मोस्ट प्रोबेबली ही हैज टू मोर इनिंग्स इन दिस वीक, ही हैज टू मोर एंड ही कैन इजीली ओवरटेक, ही इज एट नंबर 2 एंड देयर आर जस्ट 2 पॉइंट्स डिफरेंस, दो नंबर पे है, दो नंबर का डिफरेंस है और दो मैच भी बाकी हैं, तो वाह वाह वाह, दो 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 हो गया। और हम बात करें, अगर हम पड़ोसी मुल्क की इंडिया की बात करें तो 4 गोल्ड मेडल्स हो गया बैडमिंटन में भी, अब 4 गोल्ड मेडल्स हो गए इंडिया के नाम बैडमिंटन में भी, एक इंडियन प्लेयर ने गोल्ड मेडल ले गया भाई अपने मुल्क के लिए। और दूसरे की बात करें हम ब्रॉन्ज मेडल की, तो वो 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के नाम है। अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की, तो भाई सिल्वर मेडल भी 3 इंडिया के नाम ही है। क्या कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम यार,
कहा हमने मुंह नहीं दिखाना किसी को। लेकिन साथ ही कल जो है एक और बड़ा एक अमेजिंग अचीवमेंट हुआ, वो हुआ इंडिया के तेजस्विन शंकर की तरफ से, जिन्होंने ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द हाई जंप इवेंट इन एथलेटिक्स। और कमाल ये था कि इसका बैकग्राउंड में पढ़ रहा था तो लाइक आई वाज टोटली अमेज्ड कि यार इस आदमी का कितना विल पावर होगा कि जो स्टोरी मैंने पढ़ी कि इसको जो है ही इज़ अ नेशनल हाई जंप चैंपियन इन इंडिया, इसको नहीं इनिशियली सेलेक्ट किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स स्क्वाड में इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने। उसकी वजह ये थी कि ही वाज सपोज टू अपियर इन अ कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफाइंग इवेंट इन इंडिया, ही कुडंट डू दैट बिकॉज ही वाज टेकिंग पार्ट इन इंटरनेशनल इवेंट। हालांकि ये नेशनल चैंपियन है, इसका बेस्ट वहाँ रिकॉर्ड है, सब कुछ है, लेकिन इसको ड्रॉप कर दिया गया। इसने फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की अगेंस्ट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी वगैरह, और हाई कोर्ट ने फिर कहा कि जी आप इसको इंक्लूड करें कॉमनवेल्थ गेम्स स्क्वाड में। उस पर भी जो है ये बेचारा नहीं मतलब जा पा रहा था क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने कह दिया कि नहीं जी हम तो आपको मतलब हमारे तो आप जगह ही नहीं, हम आपको ले ही नहीं सकते। वो इत्तेफाक से दो इंडियन एथलीट्स जो थे उनको कोविड वगैरह हुआ, जगह बनी तो इंडियन एथलीट्स फेडरेशन इसको भेज दिया। कल देखें वो बंदा हाई जंप में ब्रॉन्ज ले गया। अब जो है उनके प्राइम मिनिस्टर जो बड़े जितने लोग हैं वो तारीफ कर रहे हैं उसकी। वन शंकर व्हाट अ स्टोरी है, व्हाट अ इंस्पायरिंग स्टोरी। और आज तो काफ़ी इंडियन एथलीट्स जो है वो ट्रैक एंड फील्ड में हिस्सा ले रहे हैं, तो शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे फेयर। लेकिन आई टेल यू इवन जो इंडिया की वो जो लॉन बॉल में जो टीम जीती खवातीन की, उनकी भी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। किस तरह से उन्होंने खुद ट्रेनिंग की, पैसों की कमी थी, प्रॉपर उनके पास कोई सेटअप नहीं था, एंड दे वेंट ऑन टू विन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। सो दीज आर रियली इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड दैट इज़ वाई यू नो मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हर जगह पर। लेकिन लेट्स होप कि आर एथलीट्स कैन डू वेल इन द मतलब नेक्स्ट टू डेज इन डिफरेंट इवेंट्स। बाकी यार बहुत कुछ है, मतलब एशिया इंडिया की एशिया कप स्क्वाड के ऊपर बहुत बात हो रही है कि इंडिया का एशिया कप स्क्वाड क्या होना चाहिए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने तो अनाउंस कर दिया अपना एशिया कप स्क्वाड कल। लेकिन इंडिया का एशिया कप स्क्वाड आई डोंट थिंक इज सच अ बिग मतलब मिस्ट्री, इसलिए क्योंकि तकरीबन 12-13 प्लेयर तो खुद ही अपने आप को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार केएल राहुल और कोहली जब वापस आते हैं तो दे प्री सेलेक्ट देमसेल्व्स, तो 12-13 सिर्फ दो प्लेयर्स का एक मसला है, दो स्पॉट्स का मसला है। मेरी नज़र में अगर मैं देखता हूँ इंडिया की स्क्वाड तो बड़ी मेरे सिंपल मेरी जो स्क्वाड है एशिया कप के लिए वो ये है कि इफ़ केएल राहुल इज़ फिट, उसके ऊपर भी स्पेकुलेशन चल रही हैं कि इसलिए सूर्या कुमार यादव को ओपनिंग कराया गया है इन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ की, शायद केएल के कोई मसले हैं, बट आई डोंट नो कितनी सच्चाई है। लेकिन लेट्स गो विद द अजम्पशन कि केएल होगा टीम में, तो उस हिसाब से तो रोहित, केएल, कोहली, सूर्या कुमार यादव और आपका कैसे बोलते हैं ऋषभ पंत, ये पांच आपके पक्के हैं। हरदिक आपका पक्का है, 6 हो गया। जडेजा पक्का है, 7 हो गया। आपका जो है बुमराह और भुवी 9 हो गया। हर्षल पटेल ले ले, 10 ले ले चाहल। दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मीडिया कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रही है भारत के बारे में, क्योंकि बोले ही क्यों ना, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी करते जा रहे हैं। और भारत का जिस सब कुछ दिन पहले जब नाम नहीं था किसी भी खेल में, हालांकि क्रिकेट के अलावा भारत और किसी खेल में ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया करता था, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश के युवाओं ने लड़ा है और खेल को आगे बढ़ाया है और पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, तो इससे लगता है कि कुछ ही दिन में, आने वाले कुछ ही समय में स्पोर्ट के लगभग हर चैंपियन भारत में ही होगा। और ये पाकिस्तानी मीडिया खुद बोल रही है कि आने वाले कुछ साल में स्पोर्ट्स के जितने भी चैंपियन होंगे किसी भी खेल के, हर चैंपियन भारत के ही होंगे और भारत में ही मेडल जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की ये बात आपको कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर और स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम अपने चैनल तक लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।